हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका रेखी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको चावल के आटे के मिनी बिस्कुट्स बताने वाली हूँ। ऐसे तो बिस्कुट्स को जो है बेक किया जाता है, बट आज मैं आपको बिना बेक किए बिस्कुट बताने वाली हूँ। ये बहुत ही खस्ता और क्रंची है और ये बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो दिवाली का मौका है, तो दिवाली के मौके में कुछ अलग से नमकीन, थोड़ा सा हटके स्नैक्स हो तो और भी मजा आ जाएगा। बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले हमेशा की तरह आपको मेरे वीडियो पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 कप पानी लेंगे और आंच को जो है हम हाई पे रखेंगे। पानी में हम 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप चाहो तो काली मिर्च या फिर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन जो कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा, 1/2 छोटा चम्मच या फिर चुटकी भर हींग, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच भरकर यहाँ पे मैंने काले तिल लिए हैं। आप चाहो तो सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये बहुत दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी इनका टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पर मेरे पास 50 ग्राम पीली मूँग दाल है जिसे मैंने 1/2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था और आप देख सकते हैं ये अभी सॉफ्ट हो गई है, तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो इसे मिक्सी में पीसकर भी डाल सकते हैं, बट ये साबुत काफ़ी अच्छी लगती है। इसी में हम 1 बड़े चम्मच के करीब तेल डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें एक उबाल आने देते हैं। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है, तो सबसे पहले हम आंच को जो है धीमा करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 कप चावल का आटा है। जिस कप से आपने आटा लिया है उसी कप से आपको पानी लेना है, तो इसे हम एक हाथ से धीरे धीरे डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे हम लगातार मिलाते जाएंगे। मैं यहाँ 2 कप का बना रही हूँ, बट अगर आप 1 कप का बना रहे हैं तो आपको पानी भी 1 कप ही लेना होगा और मूंग दाल की जो क्वांटिटी है वो भी आपको आधी करनी होगी। ये देखिए आटे ने जो है पूरा पानी अच्छे से सोख लिया है, तो गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे एक बड़ी सी थाली में निकाल देंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसे हम हल्का ठंडा होने देंगे। अभी ये इतना ही गर्म है कि इसे मैं छू सकती हूँ, तो इसे मैं गुदना स्टार्ट करूँगी और एक सेमी सॉफ्ट डो इसे बना लूँगी। ये देखिए सारे आटे को जो है मैंने इकट्ठा कर लिया है, बट ये अभी भी टूट रहा है यानी कि क्रम्बल हो रहा है, तो हल्का सा मैं हाथों में गर्म पानी लेकर इसे गूंथते जाऊँगी जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। हाथों को सिर्फ गीला करके इसे गूंदना है, हमें ज़्यादा पानी इसमें डालना नहीं है क्योंकि एकदम सॉफ्ट आटा हमें नहीं चाहिए। बट अगर आपका आटा ऑलरेडी सॉफ्ट है या वो अच्छे से गूंद कर अच्छे से सॉफ्ट बन गया है तो आप इसमें पानी ना डालें। तो ये देखिए हमारा आटा गूंद कर रेडी है, तो चलिए अब हम नमकीन रिंग्स बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से इसकी लोई बना देंगे, हल्का सा इसे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास काटे का चम्मच है, इसे हल्का सा दबाते हुए देखिए इस तरह से हम इसे डिजाइन दे देंगे। ये देखिए मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं, तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑलरेडी तेल को जो है गर्म करने रखा था। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो आंच को हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे और एक एक करके हम इन बिस्किट को तेल में छोड़ते जाएंगे। तेल में जाने के बाद एक दूसरे से चिपकते नहीं, ये इसकी खासियत है, तो आप एक साथ इसमें काफ़ी सारे डाल सकते हैं। अब हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ध्यान रहे कि आंच को जो है हम मीडियम पे ही रखेंगे, कोई भी समय आप आंच को जो हाई पे या फिर धीमी आंच पे नहीं करेंगे। नमकीन फ्राई करने के लिए आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है, तभी आपके जो नमकीन है वो काफ़ी अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपने इसे धीमी आंच पे तला तो होगा ये कि जो हमारे नमकीन है वो बहुत सारा तेल सोख लेंगे और ये आपको ऑयली लगेंगे, और अगर आपने इसे हाई किया तो ऊपर की जो इसकी परत है वो तो पक जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, बट ये अंदर से पूरी तरह से कच्चे रहेंगे और ये सॉगी हो जाएंगे। और ये देखिए 5 मिनट होने के लिए आ गए हैं और आप देख सकते हैं इसे मैंने दोनों तरफ से अच्छे से चलाते हुए पकाया है और इसका जो कलर है एकदम परफेक्ट आ गया है। ये अभी मुझे क्रिस्पी लग रहा है, तो अभी हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। ये अभी काफ़ी गर्म है तो इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे।
ये देखिए हमारे रिंग्स कितने अच्छे से बनकर रेडी है। आप इसका कलर देख सकते हैं और इसमें जो हमने काले तिल डाले थे वो भी बहुत अच्छे से इसमें नजर आ रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी नमकीन बनता है। चाय के साथ बोलिए, सफर में लेके जा सकते हैं। ये पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप इसे कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखिए, इससे आप महीने भर तक एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी आटे से मैंने मसाला रिंग भी बनाई थी, जो कि आप दिवाली में बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनती है। तो एक आटे से आप दो चीजें बना सकते हो, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो इस दिवाली आप इन रेसिपी को जरूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स परिवार सोशल साइट पे इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।